अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मलिक समीद आपका होस्ट आज एक नए मेहमान के साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल खान साहब जो कि एक कश्मीरी हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं और इनके हसीना में पूछते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया सर। आपसे पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी कश्मीर में गुजरी है, तो आपको 15 साल हुए हैं बॉलीवुड में आके, तो क्या आपने सोचा था कि मैं बॉलीवुड में आ जाऊँगा, फिर कैसे आपने ये बॉलीवुड में? मैं एक्चुअली जब हालात थोड़े नासर हुए कश्मीर में, मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया था तो जो हिमाचल में, तो वहाँ पढ़ाई करके फिर दिल्ली में कॉलेज किया मैंने। तो एक मॉडलिंग का थोड़ा बहुत होता था वहाँ पर दिल्ली में, तो उसके बाद यही था कि उसको मॉडलिंग के बाद स्टेप जो है वो एक्टिंग है, तो उसके लिए बॉम्बे आना बहुत ज़रूरी होता था, तो उसी सिलसिले में बॉम्बे आ गया। 15 साल आपको बॉलीवुड में हुई, क्या कभी आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर आपको फैसिलिटेट किया है? नहीं, पिछले 15 साल में तो किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया। नहीं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर में? मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मैं कश्मीर में उन दिनों रह चुका हूँ जब हर एक चीज पीक पे थी, तो मैंने देखे वहाँ पे आला, तो उस जगह से कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा अनरीजनेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिन पे तवज्जो देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन किसी एक्टर को फैसिलिटी। राइट। जो आपने बॉलीवुड में अभी 15 साल गुजारे हैं, ये पिछले 15 साल बीन अ वंडरफुल जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड के माँ बाप की दुआओं से अच्छा हुआ, सब कुछ ऑलमोस्ट स्मूथ है। अप एंड डाउन होते हैं सर, हर एक इंसान की लाइफ में, हमारी भी है, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ग्रेट राइड। तो मैं प्रोडक्शन से शुरू किया था और फिर मुझे फ्रंट रूम मिली और उसके बाद टेलीविजन शुरू किया और टेलीविजन से अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक रहा। कश्मीर की न्यूज़ जो होती है वो सारी इंडिया तक नहीं पहुँचती है, जो पहुँचनी होती है कश्मीर की न्यूज़ क्या, कोई भी न्यूज़ जो लोग चाहते हैं कि जो न्यूज़ पहुँचे वो पहुँच जाती है, और जो नहीं पहुँचती है, पहुँचाने को चाहते हैं वो नहीं पहुँचती। और मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट प्रॉब्लम क्या है, ये जो टॉप एंगल है वो देखना कि भैया ये है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये यही लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उनके लिए वो अपनी जगह सही है कि ये इसमें क्या लिख दिया, ये तो गलत लिखा, लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल की गई थी वो ठीक नहीं थी। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड इज रियली मिसिंग द रियल फील ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का एक फील है रोमांस या प्यार या ब्यूटी, वो मिस कर रही है? जहाँ तक हम पुरानी फिल्में देखे, शमी कपूर की फिल्में देखे, वहाँ तो बस प्यार मोहब्बत की बातें होती रही, और अगर हम आज की मूवीज देखें तो हैदर की बात करें, हम मिशन कश्मीर की बात करें, क्या बॉलीवुड सही तरह से कश्मीर को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है? यार क्या होता है, मेरा एक सपना है कि मैं कश्मीर पर एक नॉर्मल सी फिल्म बनाऊं जो कश्मीरी लोगों की हो, कश्मीर में शूट हो और उसमें नॉर्मल हो, उसमें कुछ नहीं। अभी क्योंकि वहां से सबको पता है कि वहां पे हालात खराब नहीं, इसलिए वो एक मुद्दा ऐसा पकड़ के वो बैठ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं सर, आपका रोल मॉडल कोई रहा है? यार मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। कोई नहीं सर, आपका आपकी मैसेज क्या रहेगी कश्मीर के लिए? मेरी मैसेज यही रही कि कश्मीर जो है वो उसको क्या चला था, पिर वर इस कश्मीर, पीरों की वर है, मतलब ऐसा कोई औलिया नहीं है जो वहां पे आके जिसका इम्पोर्टेंस नहीं वहाँ पे, मतलब तुम साहब हो, दसवीं साहब गुजर गया हो, कितने सारे वहाँ
बहुत बहुत बड़े बड़े दर्जे के लोग हैं वहाँ पे, तो हम कश्मीरियों को जरूर लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ मोहम्मद इकबाल खान साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे नए एक मेहमान के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।